धनंजय प्लीज जो नाम का आपका लिस्ट लाए। धनंजय उधर ही आपको टॉस करते समय लिस्ट देना चाहिए था, बहुत टाइम हो चुका है, जल्दी से जल्द आओ। धनंजय विजया शानदार मैच की शुरुआत जो होती हुई कुछ क्षणों में टॉस जीते ही गेंदबाजी करने का जो फैसला बना लिया, जो अपना इरादा जो बना लिया यहां पर और बल्लेबाजी पर जो आमंत्रित किया है देवबाग टाइटंस। वैसे मैं याद आ चाहूंगा इस शानदार जो टूर्नामेंट में जो हमें पहली जो ट्रॉफी दी है रुद्रा इंटरप्राइजेस के ओनर मिस्टर जयेश नाइक, जो हमारे गाबी समाज के सभी स्थानों में जो अपनी ट्रॉफी जो इन्वाइट करते हैं, जिनको धन्यवाद मेरे तरफ से तहे से धन्यवाद जरूर कहना चाहूंगा मिस्टर जयेश नाइक जिनको, और खास करके मिस्टर दीपक हन्नळी सर जो कारवार के हमारे बड़े जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जिन्होंने हमें इस टूर्नामेंट में सेकंड प्राइज जो इनवाइट किया है। मिस्टर दीपक हन्नळी कारवार के ही जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जिनको भी धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा। और इस वक्त मुझे यहाँ पर खास इन्वाइट जो किया है मिस्टर बाबूश कामले, जिनकी भी तारीफ जरूर कहना चाहूंगा, जो तारीफ के काबिलियत जरूर रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर हमारे गाबी समाज में इतने टूर्नामेंट होते हैं, जो दिल खोलकर जो दान जो देते हैं मिस्टर बाबूश कामले, जो कीमती हमारे जो आज ओनरशिप जिन्होंने लिए है अपने कंधों पर, और यहाँ पर जो उपस्थित हैं बेहतरीन जो शानदार सजावट की है शानदार जो मैदान की, वैसे इस शानदार जो मैदान चंद्रा देवी मैदान दोनों बल्लेबाज जल्द से जल्द अंगन में प्रवेश करना होगा खेलने के लिए, बहुत देर जो हो चुके हैं। देवबाग टाइटंस पहला मैच जो शुरुआत होने जा रहे हैं, अब तक जो बहुत देर हो चुके हैं, कृपया दोनों बल्लेबाजों को अंगन में प्रवेश करना होगा। अब तक पहला मैच बेहतरीन जो शुरुआत होती हुई दोनों सलामी बल्लेबाज की जोड़ी लहराते हुए अंगन में जो प्रवेश कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज, और खास करके जो इस वक्त फील्डिंग में जो सजावट हो रही है देवबाग इंडियंस, देवबाग इंडियंस के जो हमारे कप्तान मिस्टर पंकज नाइक बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर जो पूरी जिम्मेदारी है आज जो कप्तान सीप जो निभाने की, पूरी फील्डिंग की जो सजावट जो कर रहे हैं अपने टीम की ओर से, और खास करके जिनके ओनर मिस्टर सुशांत किर्लोस्कर भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जो आज जिनकी टीम यहां पर जो खेल रहे हैं, जिन्होंने टॉस जीत कर गेंदबाजी करने का जो इरादा स्पष्ट कर लिया। और खास करके आज हमारे बाबूश कामले के जो भतीजे भी यहां पर गोवा से खास करके यहां पर पादरपण जो कर चुके हैं, जिनको भी धन्यवाद।
आता सांगताना थांबले मग तुझं हात करून काय बरं सांगे होत स्पॉन्सर मे तुम्ही सांगा रे वैसे खेल की शुरुआत जो होती हुई यहां पर हम पर का सिग्नल मिलता हुआ खेल शुरुआत होने का स्ट्राइक पर अक्षय और नॉन स्ट्राइक पर दिनेश दोनों दिग्गज बल्लेबाज जो खेलने के लिए जो उतर चुके हैं अंगन में पूरे पांच ओवर का मैच हो जाएगा एक बेहतरीन मैच। फील्डिंग में जो सजावट होती हुई टीम इस वक्त पूरी फील्डिंग में जो दावेदार सजावट जो कर रहे हैं मिस्टर पंकज नायक और गेंदबाजी में चतुर भरे गेंदबाज एक युवा खिलाड़ी जो अपना जोश दिखाने के लिए इस अंगन में कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर कारवार एंड से गेंदबाजी करके मिस्टर पवन इस वक्त अपनी बॉलिंग पर तैयार है। मोर्चे पर गेंदबाजी में और स्ट्राइक पर सज हैं बल्लेबाज मिस्टर अक्षय गेंद आने के इंतजार में हम्पर का सिग्नल में तबाह खेल शुरू होने का कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद पहली गेंद पर इस बार रहा बड़ा प्रहार बिल्कुल गेंद चल बसी सीमा रेखा से बाहर हम्पर का निर्णय 6 रन पहली गेंद नकल गेंद जरूर थी उसको जो अपना अंदाज बना लिया बिल्कुल शॉर्ट ऑफ बनाकर खेल दिया लेग साइड के दरमियान गेंद चल बसी सीमा रेखा से बाहर एकदम दमादार बेहतरीन एक छक्का एक बड़ा जो हिट देखने को मिला इस वक्त अक्षय के बल्ले से बिल्कुल जो बल्ले का फेस खोलते हुए खेल दिया जिस पहली गेंद पर एक बड़ा प्रहार जो देखने को मिला देवबाग टाइटंस की ओर से मिस्टर अक्षय इस वक्त जो स्ट्राइक पर और वहां पर बॉलर तैयार पवन फिर से एक बार कुछ समझाते हुए जो अपने गेंदबाज को कप्तान पंकज जो उम्मीद जो बरकरार रखते हुए अपने गेंदबाज की इस वक्त फिर से एक बार बॉलर पवन धीरे धीरे पर को पार करते हुए इस बार शॉर्ट ऑफ लेन बनाकर खेला हुआ शॉर्ट ऑफ पर मिड ऑफ के दरमियान गेंद जा रहे हैं फील्डर के गेंद को उठाते 2 रन लेने का भरपूर मौका जो दोनों बल्लेबाज के पास बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर कहना चाहूंगा दोनों बल्लेबाज के बीच अभी तालमेल जो सही वहां पर साबित हुई 2 रन जो बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने और अपना टीम का जो स्कोर बढ़ा दिया कुल मिलाकर 8 रन पहली ओवर जो प्रगति पर पूरे 8 रन जो हो चुके हैं अब तक पवन एक युवा खिलाड़ी जो अपना युवा जोश दिखाने होगा पवन जिनको एक उबलता हुआ युवा जोश जो पवन इस वक्त अपनी बॉलिंग पर फिर से खेलने की कोशिश लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क दे नहीं हुआ गेंद चल बसी सीधा स्टिक पर जो टकराई और इस वक्त मिलता हुआ पहला धक्का पवन के अंक में पहली जो सफलता अक्षय जिनकी बारी होती हुई समाप्त पहला धक्का लगता हुआ देवबाग टाइटंस पहले विकेट का जो पतन होता हुआ यहां पर अक्षय जिनकी बारी जो समाप्त होती नए बल्लेबाज अगले बल्लेबाज जो खेलने के लिए सज्ज होते हुए मिस्टर प्रताप देवबाग टाइटंस जो टॉस हार कर जो अपने को बल्लेबाजी करने का जो मौका मिला है बिल्कुल जो सही साबित जो करनी होगी आपको बरकरार जो रखना होगा क्योंकि आप एक कीमती बल्लेबाज जो आपने खोए हैं मिस्टर अक्षय जिनके जवाब में जो ऑनडाउन के दरियान उतर चुके हैं खेलने के लिए सज होते हुए मिस्टर प्रताप देखते हैं प्रताप जो आज क्या बल्लेबाजी का जो अपना पराक्रम जो दिखाते इस शानदार जो मैदान पर और वहां पर बॉलर फिर से बॉलिंग पर तैयार पवन कोटे की पहले ओवर की अगली गेंद लेकर सज होते हुए अपने गेंदबाजी पर इस वक्त पवन सौरभ गेंद कट कर दिया इस बार आंखों में इशारा बनाकर दौड़ना चाहते थे लेकिन मना कर बसे नौ स्ट्राइक एंड पर जो खड़े थे बल्लेबाज इस वक्त मिस्टर दिनेश जिन्होंने मना कर लिया कुछ भी हो जो एक बेहतरीन टूर्नामेंट जो चलता हुआ गावित प्रीमियर लीग उत्साह भरा जो मैच इस वक्त पवन जिनकी गेंदबाजी पर जो एक बड़ा हादसा जो हो चुका एक बड़ी मछली जिन्होंने अपने जाल में जरूर फंसा ली इस वक्त अक्षय जो पहलन पर आराम कर रहे हैं उसके जवाब में दूसरी सफलता के सिलसिले में जो जारी इस वक्त गेंदबाजी में परिवर्तन जो होते हुए बॉलर पवन कारवार एंड से जो गेंदबाजी करेंगे अपने युवा जो पूरा खुला करते हुए इस वक्त अपने लाइन जो चेंज कर लिया है पवन जिन्होंने इस वक्त राइट एम राउंड के जो गेंदबाजी करेंगे और सामने बल्लेबाज कौन
प्रताप इस बार खुलकर खेल लिया, इस बार आंखों को मिशरा बनाकर दौड़ पड़े और सिंगल के साथ जो अपना रन जो बना लिया पर एक रन जो बरकरार रख लिया, इसी कारण जो इस एक अंकों की सहायता से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी देवबाग टाइटंस जो पहुंचे 20 अंकों की सहायता से पूरे 9 रनों पर पहला ओवर जो जारी। पहली दफा जो स्ट्राइक पर बाबा देर के बाद जो स्ट्राइक एंड पर जो पहुंचे हैं मिस्टर दिनेश, एक आक्रमण जो बल्लेबाज मान जाते हैं और वहां पर पवन तैयार हल्के हाथों से फुश कर दिया जिस गेंद को, हाय आना हाय ना करके अजीब और गरीब ढंग का शॉट जरूर खेला था लेकिन एक रन चुराने में जो कामयाबी प्राप्त करते हुए यहां पर दोनों बल्लेबाज इस एक अंकों की सहायता से पहला ओवर जो इस वक्त मुकम्मल होता हुआ पहला ओवर जो समाप्त, एक ओवर के बाद स्कोर जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में पूरे 10 रन, एक विकेट भी खोया है देवबाग। बहुत सारे जगहों पे जो अपना कीमती नाम जो कमाए हैं, कारवार का नाम जो रोशन किया है, जो हमारे एक बेहतरीन जो खिलाड़ी मिस्टर अनूप नाइक अनूप माजालिकर आज यहां पर जो मौजूद हैं, जिनको भी तेजी से धन्यवाद, जो खास करके आज के मैच में जिन्होंने यहां पर आगमन किया है। फिर से यहां पर बॉलर तैयार, गेंदबाजी में इस वक्त सज्ज होते हुए बॉलर रोहन जो गेंदबाजी में उतर चुके हैं कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर इस वक्त सामने बल्लेबाज दिनेश रिवर्स स्वीप जो खेलने की कोशिश लेकिन इस बार मिस फील्ड, नतीजा रहा 4 रनों का, बिल्कुल जो मिस फील्ड हुई भुगतना पड़े जो नतीजा 4 अंकों का। फिर से यहां पर रोहन अपने ओर के अगले गेंद लेकर सौरभ ने गेंद खेलना चाहते थे, क्लिक करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क जो नहीं रहा पर बिंदी गेंद जो होती हुई यहां पर रोहन द्वारा पहली गेंद वहां पर मिस फील्ड जरूर हुई थी लेकिन उसका नतीजा 4 रन का जो भुगतना पड़ा वहां पर फील्डर को, एक अंकों की जगह पे 3 रन जो वहां पर खर्च कर लिए। फिर से यहां पर रोहन इस बार हॉट एंड शॉट के दरमियान खेला हुआ शॉट गेंद चल बसी सीमा रेखा से बाहर, टिफा करने के बाद उछल पड़ी 4 अंकों के लिए, बेहतरीन जो चौका देखने को मिला इस बार दिनेश के बल्ले से एक कदमादार जो चौका। शानदार मैच देवबाग इंडियंस और उसके सामने जिस समय लड़ाई लड़ रहे हैं देवबाग टाइटंस, इस वक्त देखते हैं मिस्टर पंकज नायक के ऊपर पूरी जिम्मेदारी पूरा हौसला जो अपने बरकरार रखते हुए फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट जो कर रहे हैं इस वक्त मिस्टर पंकज, और वहां पर बॉलर तैयार रोहन अपनी बॉलिंग पर अपने ओवर के अगले गेंद लेकर थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जो जरूर कर रहे हैं यहां पर रोहन द्वारा गो एंड से गेंदबाजी करेंगे, धीरे धीरे पर को पार करते हुए स्ट्राइक पर सज है बल्लेबाज दिनेश जिन्होंने पिछली गेंद पर एक शानदार जो छक्का लगाया जो रिवर स्वीप के दरमियान हॉट एंड शॉट के दरमियान, वही दिनेश जो चारों ओर जो अपनी नजर घुमाकर जो देख रहे हैं जो फील्डिंग में सजावट किस तरीके से जो जिन्होंने रोहन जिन्होंने जो सजावट की है और यहां पर अपनी बॉलिंग पर तैयार बॉलिंग लाइन पर लाइन और लेंथ के सारे गेंदबाजी करने में सज होते हुए फिर से वही दिशा में गेंदबाजी वही दिशा में शॉट्स खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में कुछ मुलाकात जो नहीं हुई, आगे का काम वहां पर विकेट कीपर ने जो पूरा कर लिया, बिंदी गेंद वहां पर जो होती भी डॉट गेंद इस वक्त मिस्टर रोहन की ओर से। फिर से एक बार रोहन तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गोवा इनसे धीरे धीरे पर को पार करते हुए सामने बल्लेबाज दिनेश आगे आकर खेलने की कोशिश, स्लिप के क्षेत्र पर और कट करते हुए यहां पर फीड करते हुए एक ही रनों का इजाफा हो जाएगा इस एक अंकों के सहायता से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी
19 पर जो पहुंचा हुआ स्कोर दूसरी ओवर जो यहां पर प्रगति पर रहा, 19 पर जो पहुंचा हुआ स्कोर रहा प्रताप गेंद आने के इंतजार में इस वक्त। देखते हैं यहां पर रोहन तैयार अपनी बॉलिंग पर सामने बल्लेबाज प्रताप शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड के दरियान जोरदार अपील हम पर कोई असर नहीं डॉट गेंद बिंदी गेंद जो होती हुई यहां पर। और खास मैं तारीफ करना चाहूंगा आज का हमारे खास निर्णायक जो दो अंपायर कुल मिलाकर 3 अंपायर जो यहाँ पर मंगाए हैं वेलकम जो कर्नाटका से यहाँ पर जो मौजूद हैं जिनको भी तहे दिल से धन्यवाद इस गार्बेज प्रीमियर लीग में जो खास यहाँ पर जो इनवाइट जो हुए हैं। जो दमादार यहां पर प्राइज जो रखा है और यहां पर गेंदबाजी में जो सज होते हुए बॉलर देवबाग इंडियंस की ओर से गेंदबाजी में पप्पी पप्पी जिनका राजशेखर जो नाम है प्यार से पप्पी के नाम से जाना जाता है जो अंकोला के जो खास जो खिलाड़ी है मिस्टर पप्पी और इस वक्त अपनी बॉलिंग पर बॉलिंग लाइन पर मोर्चे पर गेंदबाजी में तैयार कारवार एंड से जो गेंदबाजी करेंगे धीरे धीरे हम पर को पार करते हुए स्पीच वहां पर सामने बल्लेबाज दिनेश बेहतरीन तरीके के सारे खेल बसे और एक रन जो वहां पर बटोर लिया दिनेश आपके लिए जो आपके खास मित्र जिन्होंने एक दिल खोल के जो आपके लिए इनाम जो रखा है मिस्टर सनी जो बावल के हैं जो आपके लिए हैट्रिक छक्के के लिए पूरे 500 रुपए का जो एक शानदार जो इनाम रखा है ताजा ताजा जो इनाम इस बार टिफ खाने के बाद जो एंगल जो मोड़ पड़ी हंपर का निर्णय रहा इस वक्त व्हाइट का जो करार अतिरिक्त रनों में जो बढ़ोतरी बढ़ती हुई स्कोरिंग में बढ़ोतरी फिर से यहां पर बॉलर इस बीच अपनी बॉलिंग पर थोड़ी सी गेंद जो ऑफसाइड से बाहर जो निकली हंपर पर जो निर्णय हो चुका व्हाइट का करार जो मिलता हुआ अतिरिक्त रन में इस वक्त बढ़ोतरी होती हुई फिर से एक बार वहां पर बॉलर तैयार पप्पी राइट हैंड राउंड ऑफ के जो गेंदबाजी करेंगे इस बार खेल दिया वहां पर फील्डर जो पंकज नायक मौजूद था और वहां पर कोई गलती नहीं की इस बार लगता हुआ दूसरा धक्का देवबाग टाइटंस जो प्रवेश होता हुआ जो खास जो खिलाड़ी मिस्टर धनंजय जो खुद कप्तान है देवबाग टाइटंस के देखते हैं आज अंगन में किस तरीके से जो अपना परफॉर्मेंस जो दिखाते हैं मिस्टर धनंजय द्वारा जिनको उम्मीद है पूरी हौसला खेलने का पर स्ट्राइक पर धनंजय और वहां पर बॉलर तैयार पप्पी इस वक्त गेंदबाजी पर पहले गेंद पर जो प्रहार करना चाहते थे लेकिन इस बार जोरदार अपील हम पर कोई असर नहीं एक रन जो पर प्राप्त होता हुआ हम पर का जो सिग्नल मिलता हुआ लेग बाय का जो इशारा इस एक अंकों के सहायता से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी थर्ड ओवर तीसरा ओवर जो इस वक्त प्रगति पर कुल मिलाकर जो स्कोर जोड़ता हुआ पूरे 22 पर जो पहुंचा हुआ स्कोर और फिर से यहां पर बॉलर थे यशवार दिनेश बेहतरीन स्ट्रोक बिल्कुल जो ताकत बनाकर खेल दिया इस स्लॉट से जो दूसरे स्लॉट पर जो पहुंचा दिया जिस गेंद को हवाई यात्रा फायर 6 रन
छक्का देखने को मिला इस बार दिनेश के बल्ले से, और वहां पर फिर से पप्पी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस बार फिर से खेला हुआ शॉट ओवर, फिर जो मौजूद लेकिन गेंद चल बसी, फिर से जो फायर लगातार जो इस वक्त दूसरा छक्का दिनेश के बल्ले से। इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर तेज रफ्तार के सारे। छक्का लगा दे तो 500 रुपए का जो इनाम रखा है, और इस वक्त आपके जवाब में दो छक्के जो प्राप्त हो चुके हैं, सिर्फ एक छक्के की बाकी। 500 रुपए जो आपको कमाने के लिए मिस्टर सनी जो आपके खास मित्र हैं, जिन्होंने आपके लिए 500 रुपए जो रखे हैं हैट्रिक छक्के के लिए मिस्टर दिनेश, जिनको और इस वक्त स्ट्राइक पर खड़े हो जाएंगे मिस्टर धनंजय गेंद आने के इंतजार में। जो खास जो बल्लेबाज है मिस्टर धनंजय, जो कप्तान पूरी जो उम्मीद पूरी हौसला लेकर जो उतर चुके हैं खेलने के लिए, स्ट्राइक पर सज है, और वहां पर गेंदबाजी में कुछ चर्चा जो चलती हुई मिस्टर पंकज नायक का दिमाग जो क्या करता है, किस गेंदबाज को इस वक्त जो इस्तेमाल करते हैं मिस्टर पंकज नायक का जो कीमती कप्तान है। मिस्टर खास करके जो मोर्चे पर खुद गेंदबाज में जो उतर चुके हैं खुद कप्तान मिस्टर पंकज नायक, और इस वक्त स्ट्राइक पर मिस्टर धनंजय यादव, दोनों जो वो कप्तान है इस वक्त देवबाग इंडियंस की ओर से मिस्टर पंकज नायक और देवबाग टाइटंस की ओर से मिस्टर धनंजय यादव। देखते हैं दोनों के बीचों बीच लड़ाई जो क्या हो जाती है। इस वक्त फील्डिंग में जो सजावट कर रहे हैं जो अपने गेंदबाजी पर, कुल मिलाकर 3 ओवर का जो खेल समाप्त हो चुका है, और स्कोर जो जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में अंक जो होते हुए 34। गो एंड से जो गेंदबाजी करेंगे इस वक्त मिस्टर पंकज, जो थोड़ी सी फील्डिंग में जो सजावट करते हुए राइट आर्म राउंड ऑफ गेंदबाजी करेंगे कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद। इस बार रिवर्सिप जो करने की सिलसिला जारी, लेकिन हम पर कोई असर नहीं, कोई दबाव नहीं, बिल्कुल गेंद जो बिंदु होती हुई यहां पर डॉट गेंद जो होती हुई हम पर कोई असर नहीं हुआ इस वक्त, क्योंकि अपना पोजीशन जो पहले ही चेंज करके वहां पर रखे थे मिस्टर धनंजय जिन्होंने, इसी कारण जो हम पर कोई असर नहीं हुआ वहां पर। बिंदी गेंद के साथ जो परिवर्तन होता हुआ गेंदबाजी में फिर से पंकज, फिर से यहां पर पंकज अपनी बॉल पर तैयार, सामने बल्लेबाजदार धनंजय स्मार कट कर दिया स्लिप की थर्ड मेन के क्षेत्र में, यहां पर फील्डर जो पैनाद है एक रन जो आसानी के साथ बटोर लिया, एक ही रन से जो संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को इसी अंकों की सहायता से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी। इस 5 ओवर का जो मैच है इस वक्त 14 ओवर जो प्रगति पर, 3 ओवर का जो खेल समाप्त हो चुका, और गेंदबाजी में पंकज फिर से अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार बड़ा शॉट की तलाश में जरूर थे। लेग साइड के दरियान घुमाया हुआ शॉट, वहां पर खेला हुआ शॉट, एक रन जो बटोर लिया। इस मैच के बाद जो अगला मैच हो जाएगा बिल्कुल जो चेतावनी देना चाहूंगा, रॉयल चैलेंजर्स तल्पना और उसके सामने जो भीड़ जाएगी कारवार कैपिटल्स, दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन, जो अपना अगला टीम है अगला मैच है आपका। इस विनिंग के बाद जो टॉस हो जाएगा दोनों टीमों के कप्तान से गुजारिश जो आप यहां पर जो सहमत हो जाइए। और इस बार धनंजय ने खेला हुआ शॉट, वहां पर देखते हैं मिड ऑफ के दरियान फील्डर जो पहना दे, एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, कुछ भी हो इक्के दुक्के से जो काम चला रहे हैं यहां पर दोनों बल्लेबाज। अगर नकल गेंद मिलती है तो बड़े हिट लेने में कुछ कमजोर नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है दोनों बल्लेबाज, दिग्गज बल्लेबाज इस वक्त। और पंकज नायक एक करारा जो गेंदबाजी में अपना फैसला जो दिखाते हुए, बेहतरीन जो गेंदबाजी मिस्टर पंकज नायक की ओर से जो बिल्कुल बांध के रखा है दोनों बल्लेबाजों को। फिर से एक बार पंकज इस बार रिवर्सिप के दरियान खेला हुआ शॉट, वहां पर फील्ड जो पहनाद और वहां पर क्वाट होता हुआ ड्रॉप। कर पाए मिस्टर रोहन द्वारा एक आसान सा कॉर्ड जहां पर गवा लिया, बिल्कुल दोबारा खेलने का जो अवसर दे दिया
खेलने का एक अनुमति, खेलने का मौका जो मिलता वहां पर दिनेश जिनको अंगन में, फिर से दिनेश वहां पर स्ट्राइक पर। पंकज अपनी बॉलिंग पर तैयार, इस बार खेलने के प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क नहीं, लेग साइड से बाहर जो जाती हुई गेंद हम पर का निर्णय रहा। इस वक्त व्हाइट का जो करार, अतिरिक्त रन इस वक्त जुड़ता हुआ अकाउंट में, अतिरिक्त के हिसाब से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी बढ़ता हुआ स्कोर पूरे 40 रन, 40 पर जो पहुंचता हुआ स्कोर। फिर से एक बार वहां पर अपनी बॉलिंग पर तैयार इस वक्त मिस्टर पंकज, बार लेग साइड के दरियान खेल बसे यहाँ पर, फील्डर जो पहना दे एक रन जो आसन के साथ बटोर लिया दोनों बल्लेबाज, उन्हें दूसरा रन लेना चाहते थे मना कर बसे यहाँ पर, एक ही रन से जो संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर की समाप्ति, पूरे चार ओवर का जो खेल समाप्त होता हुआ, चार ओवर के बाद स्कोर जो जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में 41, यानी कि 6 गेंदे बाकी। दोनों बल्लेबाजों को अंतिम चेतावनी देना चाहूंगा, सिर्फ 6 गेंदे बाकी है जो आपके पास, आपका टारगेट कितना हो जाता है ये आपको अनुमति रखनी होगी। अभी भी 6 गेंदे बरकरार, सिर्फ 6 गेंदे बाकी। मिस्टर सनी, फिर से जो आपके लिए इनाम, एक बार मौका गवा लिया और दूसरा मौका आपके लिए हैट्रिक छक्के के लिए 500 रुपए जो रखे हैं मिस्टर सनी गिरफ फ्रॉम बावल। और इस वक्त गेंदबाजी में जो परिवर्तन होते हुए बॉलर नीतीश कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से अंतिम ओवर लेकर सामने बल्लेबाज दिनेश, पहली गेंद इस बार उछाल कर खेला हुआ शॉट हवे में, फील्डर मौजूदा और कॉट होता हुआ ड्रॉप। कार्ड जो वहां पर ड्रॉप कर लिया, बिल्कुल आज का दिन मिस्टर दिनेश का दिन है मेरे ख्याल से। अब तक जो दो मौके जो यहां पर मिले हैं मिस्टर दिनेश जिनके खाते में, और इस बार वहां पर नीतीश तैयार, फिर से एक बार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए सामने बल्लेबाज मिस्टर धनंजय। अभी कुछ बड़ा हिट जो नहीं दिखाई दे रहा है धनंजय के बल्ले से, और इस वक्त ऑफसाइड से बाहर जो जाती हुई गेंद अंपायर का निर्णय मिला, व्हाइट का जो करार, अतिरिक्त रन जो जुड़ता हुआ अकाउंट में धनंजय खुद कप्तान ना, देखते हैं अभी भी बड़ा जो छक्का देखने को नहीं मिला धनंजय के बल्ले से। इस वक्त जो स्ट्राइक पर सज है और वहां पर नीतीश तैयार, और इस बार खेला हुआ शॉट हवे में, खेल बसे यहां पर फील्डर जो मौजूद, दो फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं की इस बार वहां पर पवन जिन्होंने और धनंजय जिनकी बारी होती हुई समाप्त। तीसरा धक्का देवबाग टाइटंस। ने अपने शतरंज के जो खास मोहरे को इस वक्त जो इस्तेमाल कर लिया है, देखते हैं जो खास मोहरा है, बिल्कुल बड़े बड़े छक्के लगाने में जो दिग्गज मान जाते हैं मिस्टर करण जिनका जो आगमन होता हुआ आंगन में इस वक्त स्ट्राइक पर। और यहां पर बॉलर तैयार सज, बॉलर जिन्होंने एक सफलता जो प्राप्त कर लिया है इस वक्त, नीतीश अपने ओवर की अगली सफलता के सिलसिले में धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए सामने बल्लेबाज करण आते ही जो अपना बल्ला चलाया, मैंने पहले ही कहा था एक खास मोहरा है जो छुपा के रखे थे देवबाग टाइटंस ने, इस वक्त आते ही खेल बसे चार अंकों के लिए, शानदार छौका। गेंदे जो बाकी हैं और वहां पर नीतीश तैयार अपनी बॉलिंग पर धीरे धीरे नंबर को पार करते हुए, इस बार खेल बसे बिल्कुल गेंद शक की कोई बात नहीं, टिफा करने के बाद चल बसी सीमा रेखा से बाहर, चार रन लगातार जो दूसरा छक्का इस बार करण के बल्ले से देखने को मिला। इस छक्के के साथ तेज रफ्तार के साथ जो दौड़ था वह स्कोर देवबाग टाइटंस जो पहुंची हुई 51। दो
दो गेंदे, दो बड़े प्रहार जो होते हुए इस वक्त करण के बल्ले से दो छक्के जो देखने को मिले। मैंने पहले कहा था जो एक कमोहरा जो छुपा के रखा था, इस वक्त अंतिम मोमेंट पर जो धनंजय जिनका दिमाग जो चलता हुआ, और इस वक्त करण इस बार के लौश ओवर रिकॉर्ड होता हुआ मिस। बढ़िया शॉट जरूर खेला था वहां पर करण जिन्होंने, लेकिन वहां पर रिकॉर्ड जो वहां पर गवा लिया। अंतिम गेंद इस बार की गोल्डन गेंद जो शामिल हो जाएगी, और सामने जो बल्लेबाज हैं मिस्टर दिनेश जिन्होंने एक बेहतरीन जो पराक्रम जो दिखाया आज के दिन में, और अंतिम गेंद बाकी। अंतिम गेंद इस वक्त गोल्डन गेंद नितेश के हाथ में, देखते हैं नितेश रुक पाते नहीं वहां पर, दिनेश क्या कमाल कर पाते हैं। और इस बार पोल्टोस लेकर खेला हुआ शॉट बिल्कुल बिग हिट, बड़ा शॉट जो दिनेश के बल्ले से शानदार दमदमादार जो छक्का देखने को मिला। इसी कारण जो पहला इनिंग जो यहां पर समाप्त होता हुआ, पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 5 ओवर का सामना करते हुए देवक टाइटंस जो 58 रन बनाकर 59 रनों का एक संघर्षपूर्ण जो स्कोर खड़ा कर लिया। देवबाग इंडियंस को पूरे 59 रन बनाने होंगे। कुछ क्षणों में मेरी मुलाकात आपसे जरूर होगी दोस्तों, मैं वो इस वक्त आपको कमेंट्री जो इस वक्त हालचाल जल सुना रहा हूं, आरजे फ्रॉम देवबाग, थैंक यू, धन्यवाद।
दरख्वास्त हो चुके हैं, जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाएगा उस बल्लेबाज के लिए पूरे 500 रुपए का जो इनाम रखा है मिस्टर शैलेश कामले, जिन्होंने मुंबई देवबाग इंडियंस के बल्लेबाज जो भी छक्का लगाएगा हैट्रिक उनके लिए पूरे 500 रुपए का जो इनाम रखा है। और इस वक्त ताजा ताजा और एक जो इनाम आता हुआ, जो भी यहां पर देवबाग टाइटंस के खिलाड़ी हैट्रिक सफलता प्राप्त करेंगे उसके लिए पूरे 1000 रुपए का इनाम श्रीमान बाबूस कामले जिनके ओर से। अगला मैच हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान और हमारे कारवार कैपिटल्स के कप्तान, कृपया टॉस करने के लिए यहां पर जो मौजूद होना चाहिए, कृपया दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन। जो आपके प्रिय मित्र जिन्होंने आपके लिए जो हैट्रिक छक्के के लिए 500 रुपए रखे हैं, और मिस्टर शैलेश कामले जिन्होंने देवबाग इंडियंस के जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाएगा उसके लिए पूरे 500 रुपए, और यहां पर ताजा ताजा इनामों की जो दरख्वास्त होती है हमारे देवबाग टाइटंस जिनके कोई भी गेंदबाज हैट्रिक सफलता प्राप्त करेगा तो उसके लिए पूरे 1000 रुपए का जो इनाम मिस्टर बाबूस कामले। और हम पर का सिग्नल मिलता हुआ खेल शुरुआत होने का, खेल की शुरुआत होती हुई इस वक्त कोटे की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी में जो सज्ज होते हुए बॉलर अक्षय, एक पर चमकने वाला सूरज इस वक्त चमकता हुआ हमारा सूरज, और यहां पर अक्षय फिर से बॉलिंग पर फिर से खेला हुआ शॉट, इस बार देखते हैं फिर से रहा बड़ा हिट विकेट, लगातार जो दूसरा छक्का हैट्रिक का माखा जो यहां पर सूरज के पास। लगातार दो जो बड़े हिट जो यहां पर देखने को मिले, शानदार जो छक्के यहां पर तब्दील जो कर लिया, बिल्कुल दमादार जो दो छक्के देखने को मिले इस वक्त। और देखते हैं अक्षय हैट्रिक के लिए रुका पाते हैं नहीं सूरज जैसे बल्लेबाज को, सूरज एक बेहतरीन जो खिलाड़ी हैं इस वक्त तीसरे छक्के के सिलसिले में जारी, और अक्षय अपने बॉलिंग पर फिर से एक बार इस बार लगा दिया उड़ा दिया हैट्रिक, तीन गेंदे तीन बड़े प्रहार तीन हैट्रिक छक्के इस वक्त। मिस्टर सूरज जिन्होंने ऑर्गेनाइजर कृपया गेंद ढूंढने के लिए सहायता कीजिए, ऑर्गेनाइजर बॉल दूसरे दिन कारवार कैपिटल बॉल दे
अक्षय इस बार हैट्रिक का जो मौका, सॉरी हैट्रिक मार लिया, हैट्रिक प्राप्त कर लिया और फिर से एक बार अक्षय तैयार अपनी बॉलिंग पर। सूरज इस बार गेंद जोरदार अपील और देखते हैं क्या असर हो जाता है और इस बार आउट निकल पड़े जो बल्ला लेकर पहले की ओर मिस्टर सूरज। और इस बार आते ही जो इस वक्त सूरज जिन्होंने कुछ भी हो एक शानदार दमदमादार जो तीन छक्के लगा कर पहले की ओर जो बढ़ रहे हैं इस वक्त पहला धक्का लगता हुआ सूरज त्योबाग इंडियंस और टॉस जीत लिया हमारे अगले टीम अगला मैच हो जाएगा कारवार कैपिटल जिनके कप्तान ने और गेंदबाजी करने का जो फैसला बना लिया है। अक्षय तीन छक्के जरूर खाए लेकिन उसके बाद जो भरपाई करने में इस वक्त सज होते हुए और अगले बल्लेबाज खेलने के लिए सज होते हुए यहां पर बैट्समैन कौन विकास विकास देखते हैं क्या करामा जो कर पाते हैं। और आते ही जो बल्ला चला यहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं बिल्कुल जो यहां पर पैकअप खिलाड़ी मौजूद थे कुछ प्रयास जो सिंगल लेने में जरूर जो प्रयास था लेकिन मनाकर बस यहां पर नॉन स्ट्राइक एंड पर मिस्टर आकाश जो बारिश संभाल रहे हैं कुछ भी वो जो पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर एक बेहतरीन जो तीन छक्के देखने को मिले सूरज के बल्ले से और उसके बाद वहां पर बॉलर अक्षय अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त आगे आकर खेला जरूर इस बार देखते हैं क्या करामा जो हो जाती है खिलाड़ी जो मौजूद वहां पर और फील्ड करने में नाकामयाब गेंद चल बसी चार अंकों के लिए। ओवर की समाप्ति पहला ओवर जो इस वक्त मुकम्मल होता हुआ एक ओवर के बाद बीतता हुआ स्कोर कुल मिलाकर देवबाग इंडियंस के खाते में 22-22। और गेंदबाज में सज होते हुए बॉलर पप्पू देखते हैं कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज में सज हो चुके हैं मिस्टर पप्पू गोवा एंड से जो गेंदबाजी करेंगे और कुल मिलाकर जो एक ओवर में 22 रन जो यहां पर खर्च हुए हैं स्ट्राइक पर सज है बल्लेबाज आकाश नॉन स्ट्राइक एंड पर विकास। खेल की शुरुआत जो होती हुई यहां पर दूसरी ओवर की जो शुरुआत कोटे की पहली ओवर टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर गेंदबाज में सज होते हुए बॉलर पप्पू विग्नेश जिनका नाम है प्यार से पप्पू के नाम से जो जाने जाते हैं और आज इस शानदार जो मैच को घर बैठे बैठे जो यूट्यूब के जरिए जो मोबाइल में जो देख रहे हैं सभी हमारे गाबी समाज के जो खिलाड़ी युवा सभी को तहे दिल से धन्यवाद जो आज अपना कीमती वक्त निकलकर जो आप इस टूर्नामेंट को जो देख रहे हैं और इस वक्त जो पूरे यहां पर मौजूद हैं इस मैदान में और वहां पर बॉलर फिर से एक बार तैयार सौरभ ने गेंद कट कर दिया जिस गेंद को वहां पर फील्डर जो तैनात हैं एक रन आसानी के साथ बटोर लिया दूसरे रन का सिलसिला जारी होता हुआ एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को इस एक अंकों की सहायता से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी कुछ भी हो एक ओवर में कुल मिलाकर जो एक बेहतरीन जो दावेदार मिस्टर सूरज जिन्होंने तीन छक्के के साथ स्कोरिंग को जो रन रेट बढ़ा दिया यहां पर और यहां पर पप्पू इस बार हटकर खेल दिया कोई फीडर नहीं मौजूद गेंद चल बसी सीमा रेखा से बाहर चार अंकों के लिए शानदार छोका। तो बढ़ता हुआ स्कोर 28-28 पर जो पहुंचता हुआ स्कोर अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यहां पर देवबाग टाइटंस बिल्कुल सोच बूझ कर जो गेंदबाजी करनी होगी वहां पर फिर से एक बार थोड़ी सी कुछ फील्डिंग में सजावट जो कर रहे हैं कप्तान धनंजय फिर से एक बार बॉलर तैयार
बार हटकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क नहीं, कुछ तालमेल जो नहीं हुआ यहाँ पर, बिंदी गेंद के साथ परिवर्तन जो होती भी, डॉट गेंद यहाँ पर एक मिलती हुई यहाँ पर पप्पू के खाते में। फिर से एक बार तैयार अपने पहले सफलता के सिलसिले में जा रहे यहाँ पर पप्पू, धीरे धीरे नंबर को पार करते हुए सौरभ ने गेंद क्लिक कर लिया यहाँ पर, फिर जो पैनाद और कोई गलती नहीं की यहाँ पर, दूसरे धक्का अच्छे तरह से लगता हुआ देवबाग इंडियंस। आउट होने के बाद खेलने में सज होते हुए गावी समाज के दिग्गज बल्लेबाज मिस्टर पंकज नाइक, जिनका आगमन होता हुआ खेलने के लिए यहां पर जो मौजूद हो चुके हैं, अंगन में प्रवेश कर लिया खुद कप्तान, जो पूरी उम्मीद पूरे दावा लेकर जो उतर चुके हैं। देखते हैं जो किस तरीके से अपना बल्लेबाजी का जो कमाल दिखाते हैं इस वक्त मिस्टर पंकज। स्ट्राइक पर सज और वहां पर बॉलर पप्पू, इस बार खेलने का प्रयास जरूर किया लेकिन गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क नहीं, डॉट गेंद जो होती है यहां पर, बिंदी गेंद इस वक्त ओवर की समाप्ति, दो ओवर का जो खेल समाप्त, दो ओवर के बाद स्कोर जो जोड़ था स्कोर बोर्ड में कुल मिलाकर 28-28 कुल मिलाकर जो जीतने के लिए पूरे 59 रन जो बनाने होंगे उसके जवाब में इस वक्त दो ओवर के बाद जो स्कोर अब तक जब बन चुका है 28-28 रन जो बन चुके हैं, अभी भी जीतने के लिए बचे हुए 18 गेंदे और 31 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 31 रन। ये मैच बिल्कुल रंग जलाता हुआ, बिल्कुल मजा आता हुआ इस मैच को देखकर सभी दर्शक जो अपना मन खोलकर जो देख रहे हैं, आनंद जो उत्साह ले रहे हैं इस शानदार जो चंद्रा देवी के अंगन में एक बेहतरीन जो मैच यहां पर जो चलता हुआ, पहला मैच इस वक्त देवबाग टाइटंस और उसके सामने देवबाग इंडियंस। गेंदबाजी में जो सज हो चुके हैं कोटा की पहले ओवर टीम की ओर से 30 रन लेकर खुद कप्तान मिस्टर धनंजय। गेंदबाज में जो सच हो चुके हैं कोटे की पहले ओवर टीम की ओर से 30 रन लेकर इस वक्त सामने बल्लेबाज विकास, पहली गेंद जो कड़ा प्रहार जो करना चाहते थे लेकिन इस बार बिंदी गेंद जो होती वहां पर डॉट गेंद जो होती हुई विकास, देखते हैं जो क्या कर्म जो कर पाते हैं वहां पर। फिर से वहां पर बॉलर तैयार धनंजय, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर धीरे धीरे पर को पार करते हुए सामने बल्लेबाज सौरभ ने गेंद उड़ा दिया, जिस गेंद को लेग साइड के दरिया घुमा दिया, फील्डर जो पैनाद शानदार फील्डिंग वहां पर, दोनों लेने में ना रुक पाए दोनों बल्लेबाज, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर कहना चाहूंगा दोनों बल्लेबाजों को। इस दो अंकों के सहायता से स्कोर में जो बढ़ोतरी बढ़ चुकी, बढ़ता हुआ स्कोर कुल मिलाकर 30 पर जो पहुंचता हुआ स्कोर 30 रन जो इस समय जा रही। फिर से एक बार धनंजय तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर धीरे धीरे अंपर को पार करते हुए, इस बार हटकर खेल दिया पर फील्डर जो पहनाद है, एक रन जो आसानी के साथ बटोर लिया, सिंगल से ही काम चलाएंगे यहां पर पंकज जो जानते हैं बड़े शॉट खेलने में जो माहिर मान जाते हैं मिस्टर पंकज जिनको, और इस समय स्ट्राइक पर देखते हैं क्या करम जो कर पाते हैं दो कप्तानों के बीच में जो लड़ाई जो होती हुई चंद्रा देवी के अंगन में। और इस बीच वहां पर धनंजय फिर से एक बार अपनी बॉलिंग पर, इस बार खेला हुआ शॉट वहां पर हवा में और वहां पर दिनेश जो मौजूद, और कोई गलती नहीं की वहां पर दिनेश ने, बड़ा विकेट बड़ी मछली इस वक्त जाल में फंसती हुई, पंकज नाइक जिनकी वारी होती हुई समाप्त।
जाल में जो फंसा ली इस वक्त पंकज नायक, एक बड़ा जो विकेट का पतन जो होता हुआ, एक दिग्गज बल्लेबाज, एक अच्छे बल्लेबाज हमारे गावी समाज के मिस्टर पंकज, और समय अगले बल्लेबाज खेलने के लिए सज्ज होते हुए इस वक्त पवन धनंजय, बिल्कुल जो जाल में फंसा लिया मिस्टर पंकज को, और सफलता जो प्राप्त कर बसे धनंजय द्वारा इस वक्त कोटे की अगली गेंद लेकर तैयार। दूसरी सफलता के सिलसिले में स्ट्राइक पर सज्ज होते हुए यहां पर खेलने के लिए मिस्टर पवन युवा खिलाड़ी, देखते हैं क्या करामत जो कर पाते हैं इस वक्त। चार गेंदे जो बीत चुके हैं, दो गेंदे बाकी इस वक्त, और ओवर बॉलर अपनी बॉलिंग पर धनंजय इस बार शॉट ऑफ द गेंद, खेल बसे, गेंद चल पड़ी सीमा रेखा से बाहर, छह रन विकेट पवन के बल्ले से देखने को मिला, एक शानदार छक्का। इस छक्के के साथ एक बड़ा जो छक्का देखने को मिला पवन के बल्ले से, बिल्कुल जो शॉट ऑफ द गेंद थी पूरी की पूरी उसको उड़ा दिया, बिल्कुल तब्दील कर लिया जो छक्के में यहां पर पवन जिन्होंने, और छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर तेज रफ्तार के सारे 37। फिर से एक बार वहां पर धनंजय अपने बॉलिंग पर तैयार, अपने ओवर के अगले गेंद लेकर धीरे धीरे अंपर को पार करते हुए पवन जो इस वक्त गेंद आने के इंतजार में, और वहां पर धनंजय तैयार अपने बॉलिंग पर। इस बार ब्लॉक कॉल में इससे जरूर डालती गेंद पहरों पर जो टकराती हुई, ओवर की समाप्ति, तीन ओवर का जो खेल समाप्त, तीन ओवर का दावेदार जो समाप्त होता हुआ, तीन ओवर के बाद स्कोर जो जुड़ता हुआ 37। शुक्रिया डीजे। और अभी जीतने के लिए 12 गेंदे और 27 रन जो चाहिए, सॉरी 22 रन जो चाहिए बचे हुए 12 गेंदे 22 रन, 12 गेंदे 22 रन जो चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, और गेंद बाद में जो सज्ज होते हुए बॉलर नयन, गेंद बाद में जो परिवर्तन हो चुके हैं देवबाग टाइटंस की ओर से मिस्टर नयन, देखते हैं क्या करामत जो कर पाते हैं, किस ढंग की जो आज शो जो नयन जिनकी स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है मिस्टर विकास जो गेंद आने के इंतजार में, नौ स्ट्राइक पर पवन और गेंदबाजी में जो सज्ज होते हुए नयन, कोटा की पहले ओवर टीम की ओर से चौथा ओवर निकल इस वक्त, गेंदबाजी में सज्ज हो चुके हैं गाबित प्रीमियर लीग, एक शानदार जो उत्सव भरा जो टूर्नामेंट चलता हुआ गाबित प्रीमियर लीग, और इस वक्त वहां पर नयन अपने बॉलिंग पर हटकर खेल दिया पर खिलाड़ी जो मौजूद नहीं, गेंद चल बसी सीमा रेखा से बाहर, चार रन बेहतरीन जो चौका देखने को मिला इस वक्त विकास के बल्ले से। शानदार जो चौका देखने को मिला इस वक्त नयन जिनके बल्ले से, और फिर से यहां पर बॉलर अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, सामने बल्लेबाज विकास पहली गेंद पर एक चौका जो लगा लिया, फिर से एक बार वहां पर नयन तैयार अपनी बॉलिंग मत पर धीरे धीरे अंपर को पार करते हुए सामने इस वक्त बल्लेबाज विकास, इस बार आ गया कर खेला जरूर वहां पर फील्डर जो पैनाद, एक ही रन जो मिलेगा मेरे ख्याल से, दूसरे रन की तलाश होती हुई यहां पर दौड़ना चाहते थे, और वहां पर मिस फील्ड जो होती हुई एक ही रन से जो संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को, इसी अंकों की सहायता से स्कोरिंग में जो बढ़ोतरी बढ़ती हुई देवबाग इंडियंस जो पहुंचती बिल्कुल मिलाकर 42 पर जो पहुंचा था स्कोर, और समय पवन पवन इस वक्त स्ट्राइक पर, और वहां पर बॉलर तैयार रिवर्स सेप हॉट एंड शॉट के दरियान खेलना चाहते थे, यहां पर विकेट के पर थोड़ी सी मिस के कारण एक रन जो आसानी के साथ बटोर लिया यहां पर, बिल्कुल हॉट एंड शॉर्ट जो खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज पवन, और मैं याद दिलाना चाहूंगा अगला मैच बल्लेबाजी
रॉयल चैलेंजर्स तर्पण, जो आपको बल्लेबाजी करने का जो मौका मिला है जो अगले मैच में, और गेंदबाजी करेंगे हमारे कारवार कैपिटल्स। और यहां पर बॉलर फिर से एक बार अपनी बॉलिंग पर तैयार, इस बार हट कर खेलने की कोशिश, बार बार जो वही शॉट्स खेलना चाहते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क नहीं, कुछ तालमेल जो है इस वक्त विकास जिनके बल्ले से डॉट गेंद जो बिंदी गेंद इस वक्त परिवर्तन जो होती हुई, फिर से एक बार वहां पर नयन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर धीरे धीरे यहां पर को पार करते हुए सामने बल्लेबाज विकास सी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कुछ संपर्क नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं वहां पर विकास, जो सोच समझकर जो खेलना होगा विकास जिनको बिंदी गेंद इस वक्त अंतिम गेंद बाकी इस ओवर की नयन बेहतरीन जो गेंदबाजी एक चौका हासिल किया था उसके बाद जो भरपाई करते हुए अपने गेंदबाजी में फिर से एक बार अपनी बॉलिंग पर धीरे धीरे अंपायर को पार करते हुए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त शॉट ऑफ लाइन बनाकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर जो मौजूद है कोई गलत नहीं कि इस बार विकास की बारी होती हुई समाप्त, बेहतरीन जो झटका लगता हुआ इस वक्त धोबाग इंडिया। इस मैच जो रोमांच कर बढ़ता हुआ मैच, छह गेंदे 16 रन, दोनों तरफ से शोर जरूर जो गुनगुन रहा है, देखते हैं जो पर्दा किस ओर से फास हो जाता है आज खेलने के लिए जो आंगन में प्रवेश करते हुए बल्लेबाज पप्पी, और गेंदबाज में जो परिवर्तन होते हुए यहां पर बॉलर प्रताप, छह गेंदे 16, देखते हैं क्या हो जाता है इस वक्त, और स्ट्राइक पर सज हो जाएंगे मेरे ख्याल से पवन, नौ स्ट्राइक एंड परमिस्टर पप्पी, छह गेंदे 16 रन। रोमांच की ओर जरूर जो बढ़ चुका है मैच, रंग में जो भंग फैला था वह इस मैच में, इस अंगन में खुशियां जो आती हुई सभी दर्शकों के चेहरे पर, एक आनंद जो उत्साह आता हुआ इस शानदार जो अंगन में, बिल्कुल छह गेंदे 16 रन, अंतिम छह गेंदे और 16 रन जो चाहिए इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं आज दोनों टीम हमारे देवबाग इंडियंस और उसके सामने देवबाग टाइटंस, बिल्कुल टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला बना लिया था, और इस वक्त देखते हैं इस मोमेंट पर, इस हालत पर जो आप पहुंची हैं, छह गेंदे 16, क्या हो जाता है पवन जो एक छक्का लगाकर इस वक्त जो मौजूद है स्ट्राइक पर, और वहां पर प्रताप तैयार कोटा की पहली ओवर की पहली गेंद लेकर दिग्गज बल्लेबाज मिस्टर पवन, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन बनाकर खेलना चाहते थे, यहां पर मिस फील्ड, एक रन जो आसानी के साथ बटोर लिया, दूसरे रन की तलाश जो होती है वहां पर दूसरा भी रन वहां पर प्राप्त होता हुआ, दो अंकों की सहायता से स्कोरिंग में बढ़ोतरी 45 पर पहुंचता हुआ स्कोर, 5 गेंदे और 14 रन जो चाहिए, बचे हुए 5 गेंदे और 14 रन, फिर से एक बार वहां पर प्रताप, इस बार बिंदी गेंद और वहां पर विकेट कीपर की ओर से मिस होते हुए एक रन जो बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने, लेग बाय का जो इशारा दिखाते हुए हमारे अंपायर, एक रन जो प्राप्त होता हुआ, अभी भी मौका अभी भी बरकरार अभी भी जारी जो होता हुआ, 4 गेंदे 13 रन, 4 गेंदे और 13 रन जो चाहिए यहां पर, फिर से प्रताप तैयार अपने बॉलिंग मत पर, और स्ट्राइक पर मिस्टर पप्पी, चार गेंदे 13 रन, 4 गेंदे 13 रन जो चाहिए, और वहां पर प्रताप तैयार अपनी बॉलिंग पर, सामने बल्लेबाज पप्पी पोर्टोस ने करवा दिया, बिल्कुल गेंद चल बसी सीमा के बाहर, बिग हिट
फुल टॉस गेंद पर पूरा जो प्रहार कर लिया इस वक्त, एक बड़ा धमाका जो देखने को मिला और जो रंग आता हुआ इस मैच में, बिल्कुल मंजिल जो नजदीक आती हुई देखते हैं मंजिल किस ओर जो प्राप्त हो जाती है। तीन गेंद है, बड़ा जो धमाका देखने को मिला इस वक्त, छक्का जो फुलटॉस गेंद पर बड़ा प्रहार जो होता है वो अभी भी मौका है। तीन गेंदे और सात रन, ये मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर जो खेला जाएगा, मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। तीन गेंदे सात रन, अंतिम मोमेंट पर सात रन जो चाहिए, देखते हैं क्या क्रम जो जाते हैं। क्रिकेट है मेरे भाई, क्रिकेट में कोई कुछ नहीं कह सकेगा क्योंकि अंतिम गेंद नहीं गिरती तब तक कोई कुछ भी नहीं कह सकेगा, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। और वहां पर बॉलर अपने बॉलिंग पर इस बार बिंदी गेंद करने के प्रयास में एक रन जो आसानी के साथ बटोर लिया, दूसरे की तलाश जो वहां पर होती हुई और यहां पर आउट। दो गेंदे छह रन, दो गेंदे छह रन, रोमांच भरा मैच, रंग आता हुआ इस मैच में, चंद्रा देवी के आंगन में उत्साह आता हुआ, बिल्कुल दो गेंदे छह रन। बरकरार जो आज यूट्यूब के जरिए जो मैच देख रहे हैं सभी हमारे जो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि ऐसा मैच जो देखने को मिल रहा है, दो गेंदे और छह रन जो चाहिए इस श्रृंखला का आज का दूसरा दिन जो चलता हुआ गावित प्रीमियर लीग। दो गेंदे छह रन और देखते हैं खेलने के लिए सज्ज होते हुए एक शानदार जो खिलाड़ी मिस्टर निशाल जिनका आगमन होता हुआ इस वक्त नौ सेकेंड पर, और वहां पर प्रताप अपने बॉलिंग पर। इस बार बिंदी गेंद के साथ परिवर्तन जो होता हुआ, डॉट गेंद, एक गेंद छह रन, एक गेंद और छह रन, बिग हिट की जरूरत है, देखते हैं क्या हो जाता है, जो इस बाजीगर कौन जो मार जाते हैं, सिकंदर के बादशाह कौन जो बाजी मार जाते हैं, देखते हैं बाजीगर के बाजीगर कौन से जो आज सिकंदर बन जाता है इस मैच में। एक गेंद छह रन, बिल्कुल बड़ा जो मैच चलता हुआ, एक गेंद छह रन, मजा आता हुआ उत्साह भरा मैच, और इस बार फुलटॉस गेंद थी लेकिन प्रहार नहीं कर पाए और फुलटॉस गेंद जरूर थी वहां पर, कुछ तब्दील जो नहीं कर पाए फुलटॉस गेंद पर, देखते हैं जो क्या हो जाता है इस वक्त। फुलटॉस गेंद पर जो पड़ा प्रहार जो एक हो सकता था मिल सकता था, लेकिन इस बार जो मैच को जो जीत लिया ना, मैच को जीत लिया देवबाग टाइटंस, बेहतरीन जो अंतिम गेंद पर जो एक गेंद पर छह रन जो बड़ा प्रहार जो हो सकता था फुलटॉस गेंद थी और वहां पर कुछ खास नहीं कर पाए। इसी कारण जो शुक्रिया दोस्तों जो आज मुझे यहां पर जो एक अवसर जो दिया था मिस्टर बाबूज कामले जी ने जो कमेंट सुनाने के लिए इस शानदार जो गावित समाज के प्रीमियर लीग में, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं और मैं थोड़ी विश्रांति लेना चाहूंगा। और हमारे कारवर कैपिटल्स कृपया अंगन में प्रवेश करना होगा, कारवर कैपिटल्स।